इस देश का एयरपोर्ट बिल्कुल ओपन है और फ्लाइट लैंड होने से रुकी थी क्योंकि रनवे पे कुत्ता आ गया था और कुत्ते के बाद एक आदमी स्कूटी चलाने आ गया रनवे पे। फ्लाइट दोबारा हवा में उड़ गई और अब जाके लैंड हुई है। जो हफ्ते में एक दो फ्लाइट भी आती है उसमें सिर्फ लोकल है, एक टूरिस्ट शायद मैं देख पा रहा हूँ। मात्र 2 से 2.5 मिनट के अंदर एयरपोर्ट पे जाके हमारा चेक इन हो गया, बोर्डिंग पास हमें मिल गया। ये जो आइलैंड है ना, इसकी चौड़ाई ना सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर है। उस 200 मीटर के अंदर ही सारे लोग रहते हैं, स्कूल, दुकानें, एयरपोर्ट वगैरह सब इस 200 मीटर की चौड़ी स्ट्रिप के अंदर सब कुछ है। पानी का लेवल यहाँ पे है और रोड बिल्कुल इतनी सी ऊपर, और ये यूं नहीं है कि भी बीच है कोई, देश आइलैंड ही पूरा यहीं पे बसा हुआ इतनी ही ऊंचाई पे। लाइफ में पहली बार ऐसे पेन से लिख के बोर्डिंग पास दिया गया कहीं पे। दोस्तों आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, और टुवालू लीस्ट विजिटेड कंट्री इन द वर्ल्ड में आप सभी का एक और बार स्वागत है। एक नई सुबह से, कल तो यार मतलब एक सिंगल चीज भी नहीं खुली थी पूरे देश में, पानी भी नहीं था हमारे पास और कुछ नहीं खा रखा था। वो तो कुदरती, मैं परसों थोड़ा दूध वूध ले आया था, और पूरे इस देश में कोई भी एटीएम नहीं है, दही नहीं मिली कहीं भी पूरे देश में, और मैं दूध का वो ले आया था एक टेट्रा पैक 1 लीटर का, और कुछ फ्रूट्स ले आया था, उनके सारे गुजारा हो गया, नहीं तो कल गुजारा करना मुश्किल था। कोई सिंगल दुकान कुछ भी खुला नहीं था भाई, कल संडे को यहाँ कुछ नहीं खुलता। आज अभी मंडे है, भूखा मरने लग रहे हो, नवांकुर पता नहीं स्कूटी लेके कहाँ चला गया, हमें साथ निकलना था। तो अभी कुछ खा के आएंगे, पानी खरीदेंगे, थोड़े फ्रेश से होंगे क्योंकि हालत ख़राब हो रखी है कमज़ोरी में। धूप बहुत तिखी होती है यहाँ पे और एकदम से ही सनसेट हो जाता है, एकदम से ही सनराइज़ हो जाता है, वो शाम या सुबह वाला मंजर नहीं आता है यहाँ पे। तो एकदम तिखी धूप होएगी, एकदम सनसेट होती है, अंधेरा हो जाएगा। ये आ गया, इन्हें स्टैंड ने टाले, ये टाले स्टैंड, तेज बन रहा है। पहली बार चला रहा हूँ मैं तो। चल, इसे बाइक चलानी नहीं आती, इसे बस स्कूटर चलाने आते, स्कूटी आती है बिना गियर वाली, ये लेकिन मिक्स है, ये स्कूटी है गियर वाली और क्लच भी नहीं है इसमें। आगे आगे ना, आ तो गए, वो चाइनीज पे नहीं यार, किसी और पे ले चल। कहाँ ले चलूँ, और कोई रेस्टोरेंट नहीं है क्या भाई यहाँ पे? ना एक बेकरी है, हमने नेट पे देखा था, हमने इनको बोला कि तुम्हारे देश में कोई बेकरी है, बोले नहीं कोई है ही नहीं, हम बोले नहीं है एक, बोले हाँ एक है। मतलब इधर सबको पता ही होता है, 11,000 तो इनकी टोटल पॉपुलेशन है, सबको पता होता है क्या आदमी कौन है क्या कर रहा है, इसलिए चोरी वोरी का कुछ नामो निशानी नहीं है। नवांकुर ना कल यहाँ पे ड्रोन रख के अपना और कमरे में आ गया सुबह, किस टाइम छोड़ के आया तू? 8-9 बजे ना, और दोपहर को 2 बजे आता है ड्रोन गए, तो मतलब 4-5 घंटे बाद हमें तो लगा होगा कि भी हो गया होगा चोरी, बाहर जाके देखा तो यहीं कहीं पड़ा था। क्योंकि पहली बात तो लोग चुराते नहीं, दूसरी बात अगर किसी ने चुरा भी लिया तो उड़ाएगा कैसे, उसे उड़ाना नहीं आएगा, और उड़ा भी लिया तो सारे लोग समझ जाएंगे कहाँ से ले गया, हमारे देश में तो मिलती ही नहीं है चीज़, किसी टूरिस्ट का चुरा है, तो इसलिए कोई करता नहीं है सब काम। चलो दूसरी साइड चलते हैं बेकरी, इधर मेन रोड से हम गुजर रहे थे और ये है इनका एयरपोर्ट, देखो कितना सुनसान पड़ा है। हम इधर आए थे परसों, हफ्ते में सिर्फ 2 फ्लाइट आती है, एक ही प्लेन है जो आता है इस देश में, वो अब आएगा ट्यूजडे को, और देखो एकदम सुनसान, बंद पड़ा है सब एयरपोर्ट वगैरह और रोड बिल्कुल खाली। और अब हम आ गए इनके एयरपोर्ट पे, ये स्कूटी चल रही है एयरपोर्ट पे, ये है साइड में रनवे और ये देखो इस पे ना रनवे पे शाम को लोग गेम खेलते हैं, फुटबॉल वगैरह, अपन शाम को इधर आते हैं खेलने। हमें ना मिल नहीं रही थी बेकरी, हम मतलब देश के उस कोने थे पहले, वो बोले देश के दूसरे कोने जाओ, मतलब मेन इनका जो आइलैंड है जिस पे हम अभी है फुनाफुती, ये इनकी कैपिटल और आइलैंड यही है, तो हम इसके दूसरे कोने पे आ गए। अब यहाँ पे हमने किसी से पूछा, वो हमें ले आए इधर पीछे बेकरी है, लेकिन ये देखो यहाँ पे किश्ती विश्ती खड़ी है, सामने समुंदर, खूबसूरत नज़ारा है ना। वो देखो उधर है अपनी बेकरी, उधर चल के कुछ खाते, खुशबू आने लग रही है बाहर, मस्त सी। इस पूरे देश का एरिया ना टोटल 26 स्क्वायर किलोमीटर है और दुनिया के 4th-5th नंबर का सबसे छोटा देश है, और 11,000-12,000 पॉपुलेशन है, मुश्किल से कोई टूरिस्ट आते हैं, बहुत ही कम, ये लगा लो एक साल में कोविड के बाद से तो शायद 1,000 टूरिस्ट भी ना आते उस साल में, दुनिया में सबसे कम टूरिस्ट किसी देश में आते तो यही देश है। कावा जोन बेकरी, भाई ये तो है ताज़ा ब्रेड की बेकरी, हम तो वो उम्मीद करते डोनट्स वगैरह सब होएगा, पर ये ताज़ा ब्रेड है इधर, ये देखो इसकी स्लाइस बनती होगी, नहीं
यार आप ना एक चीज जरूर सोच रहे होगे, देखो पानी का लेवल यहाँ पे है और रोड बिल्कुल इतनी से ऊपर, और ये यूं नहीं है कि भी बीच है कोई जो यहाँ पे लोग दिख रहे हैं, ये मतलब देश आइलैंड ही पूरा यहीं पे बसा हुआ इतनी ही ऊंचाई पे। ये देखो पानी से सी लेवल से इस देश की ऊंचाई है सिर्फ 2 मीटर, और सिर्फ 2 मीटर ऊंचाई होने के कारण ये दुनिया का सबसे पहले डूबने वाला देश बनेगा, और अगले 50 से 60 सालों में हो सकता है देश एग्जिस्ट भी ना करे इनका, क्योंकि सी लेवल बढ़ने लग रहा है ओशन के लेवल से और देश डूबता जा रहा है। बाय। बेकरी ढूंढने में तो हम नाकाम रहे, तो इसलिए अभी इस चाइनीज रेस्टोरेंट पे ही आ गए जिस पर पिछली बार खाया था। 3 hours later दोपहर को बहुत तेज धूप पड़ी थी, थोड़ी थोड़ी देर सो के उठ गए हम, और हाय हाय अब निकल पड़े भाई दोबारा अपनी हायाबुसा पे, चलेंगे थाईलैंड वेस्ट टूर बना रहा। भाई हम आगे स्कूटी चला गए इसके एक एंड तक, टुवालु का ना सबसे बड़ा मेन आइलैंड यही है फुनाकुती, इसके अलावा 6 आइलैंड हो रहा है छोटे छोटे, सबके नाम एन से है, और एक और आइलैंड है सिर्फ इन दो के नाम एन से नहीं है, बाकी सारे जो छोटे छोटे आइलैंड है उन सबके नाम एन से है। इधर इनका एक स्कूल था आ गया, और दिन मैंने वहाँ बता रही इधर बच्चे खेल भी लेते, देखो कितना मस्त नेट लगा हुआ है ना, मेरा तो बहुत मन कर रहा है यहाँ पे खेलने का, पर अभी कोई है नहीं, शाम का टाइम हो गया बंद हो गया होगा। इधर हम थोड़ा बहुत सनसेट सा देखने आ गए और स्कूटी पे अपनी राइड एंजॉय कर रहे थे, इस देश की मजेदार है देश एकदम शांतिपूर्वक। तो भाई साहब अब हम आ गए पूरे एंड पॉइंट पे, यूं मान लो ये जो आइलैंड है टुवालु देश का, इसके बिल्कुल एंड पॉइंट पे हम खड़े, और इसके आगे कुछ भी नहीं है, बस इतना सा ही सारा देश है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो आइलैंड है ना, आप ड्रोन व्यू से ज़्यादा अच्छे समझ पा रहे होगे, इसकी चौड़ाई ना सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर है, और इसके दोनों तरफ समुद्र है जैसे आप देख पा रहे होगे, लंबाई में अलग ही 12-13 किलोमीटर होगा ये, लेकिन चौड़ाई सिर्फ 200 मीटर है, उस 200 मीटर के अंदर ही सारे लोग रहते हैं, स्कूल दुकानें एयरपोर्ट वगैरह सब इस 200 मीटर की चौड़ी स्ट्रिप के अंदर सब कुछ है। बहुत ज़्यादा खतरा है इस जगह को, कोई भी एक थोड़ी सी भी छोटी मोटी भी सुनामी आ गई ना तो ये देश एक तरह से गायब है, और इधर अर्थक्वेक्स पहले ही बहुत ज़्यादा आते हैं, ये जो पूरा रीजन है पैसिफिक ओशन का पूरा काफ़ी प्रोन है अर्थक्वेक्स के, तो ना लोगों को काफ़ी समस्या है इधर रहने में, इसलिए हर जो भी घर है ना इधर, मैं आपको दिखाऊंगा वापस चलते टाइम, हर आदमी ना दो तरह के घर बनाते हैं, मतलब दो घर बनाते हैं, एक तो घर के अंदर, एक अपने घर के बाहर ही एक और घर, वो आउटसाइड होम बोलते हैं उसे, लकड़ी का घर होगा उसमें किचन सी होगी इनका, सोने का एक आधा गद्दा रखा होगा, या फिर दो पेड़ के बीच में इन्होंने हैमक सी बांध रखी होगी जिसमें सो सके, तो अंदर के अलावा इनका एक बाहर का घर जरूर रहता है ऑलमोस्ट सभी घरों में मैंने नोटिस किया है। और ना ये लोग बिल्कुल नेचर में रहते हैं, हालांकि चाइना का काफ़ी प्रभाव हो गया इधर कुछ टाइम से, जैसे जो भी दुकानें रेस्टोरेंट्स हैं ना मोस्टली चाइनीज ओनर्स हैं उनके, लेकिन इधर के लोकल्स को काम दे देते हैं ताकि वो इन्हें तंग भी ना करें। तो चाइनीज़ बिजनेसेस, और ये जो स्कूटर वगैरह हमने रेंट पे कराए एक दिन के $15 ऑस्ट्रेलियन का करें, इंडिया कितने 1100 रुपये का, और कोई आईडी नहीं मांगी कुछ भी नहीं मांगा, ये लोग ना मतलब बहुत शरीफ है, बहुत ट्रस्ट करते हैं मेहमानों पर और बाहर के लोगों पर, क्योंकि गिने चुने लोग आते हैं टूरिस्ट, पूरी दुनिया में सबसे कम टूरिस्ट इसी देश में आते हैं, उनके साथ ही ज़्यादा सख्त बनने लगे तो ये सोचते हैं शायद कोई आए ना, या क्या पता इनका नेचर इतना ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही मतलब प्यारे और अच्छे लोग हैं। एक तो यहाँ पे फ्लाइट कनेक्शन नहीं है, मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूँगा कि बहुत अच्छी जगह है, कि इससे पहले कि भी कुछ नहीं पता भाई फ्यूचर का, कब डूब जाए कब कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर हो कुछ नहीं पता लगता, सिर्फ 2 मीटर की ऊंचाई पे। अगर आप लोगों को कभी मौका मिले ना इधर आने का, तो मैं तो इस कंट्री को अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर प्रमोट करना चाहूँगा कि कभी मौका लगे तो ज़रूर आना, बहुत अच्छा देश है, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आना। ये सामने जो देख रहे हो आप ये एक और आइलैंड है, हालांकि यहाँ से कोई भी व्हीकल नहीं गुजर सकता, बोट वोट कुछ नहीं जा सकती, क्योंकि ये देखो यहाँ पे पत्थर वगैरह सारे, कोई भी रास्ता नहीं है ढंग से जाने का, पर फिर भी शायद पैदल जाना चाहो या थोड़ा बहुत बीच बीच में तैर के जाना चाहो तो पहुँच सकते हैं, लगभग 500 मीटर की दूरी पे है वो आइलैंड यहाँ से। आप घर बिना सारे एलिवेटेड पानी आ जाता होगा समुद्र का इधर, ये देखो ये सारे घर ना उठे हुए हैं और बाहर एक आउटसाइड होंगे। अब हम आ गए भाई अपनी स्कूटी वापस देने, 2 दिन चलाए बाद कर दे खड़ी स्कूटी, हमने लौटा दी। और ना स्कूटी का जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भी बहुत बढ़िया लोग थे,
हमें बिना कुछ जान पहचान के सीधा दे दी थी और किसी और के थ्रू ही ऐसे ही। तो $15 ऑस्ट्रेलियन डॉलर एक दिन का रेट था, जो कि कितने हुए, 750-800 हुए एक दिन के। तो हमें लगा कि भी तेल पूरी करा के देना होगा, हर जगह यही रूल होता है भाई, रेंट पे आप गाड़ी स्कूटी लो तो जितना तेल होता है उतना ही देना होता है, यूजुअली पूरी टंकी देते हो। इसकी इन्होंने हमें पूरी टंकी दी, लेकिन हमने आधी से भी कम कर दी थी टंकी, और हमने स्कूटी लौटाई ना, तो मैं बोला भाई तेल हमने यूज़ कर लिया, इसके पैसे बता दो आप कि भाई पैसे देने हैं क्या। तो बोले अच्छा खाली कर दी क्या, हम बोले नहीं नहीं खाली नहीं करी, आधी से थोड़ा कम है। बोले कोई नहीं, इट्स ऑल राइट, चले जाओ, तेल के पैसे मत दो। यूजुअली कार रेंटल्स और ये सारे ना हर देश में इनके साथ एक्सपीरियंस बेकार ही होते हैं सभी लोगों का, क्योंकि इनकी हिडन पॉलिसीज रूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। पलाऊ में हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और यहाँ पे भी स्कूटर वाले के साथ बहुत ही अच्छा था। चलो यहाँ से 900 मीटर है अब हमारा होटल, वहाँ हम जा रहे हैं पैदल। टूवालू देश में मेरी तीसरी सुबह यानी कि आखिरी दिन हो गया और मैं भी जाने लग रहा हूँ एयरपोर्ट, क्योंकि आज है फ्लाइट टूवालू से फिजी की, यानी कि फुनाफुती टूवालू कैपिटल से फिजी कैपिटल सुवा की। आप सोच रहे हो कि पैदल कहाँ जा रहे हैं, और जस्ट अभी होटल से निकला था मैं, तो दरअसल जो एयरपोर्ट है वो 100 मीटर ही है होटल से सिर्फ, तो सारी चीज़ें पैदल का ही रास्ता है, बहुत छोटा सा देश है, बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था। अभी हम चेक इन करके वापस होटल आ जाएंगे, फिर जब फ्लाइट उड़ने का टाइम होगा तो दोबारा बोर्डिंग गेट पर आ जाएंगे। एक बार पहले चेक इन कर लेते हैं एयरपोर्ट पर। क्या हो गया, क्या दिया बोर्डिंग पास? देखा हाथ से, तेरा भी लिख के देखा, हाथ से लिख रहे हैं, हाथ से नो दैट इज माय, दैट्स हिज, ये है मेरा, कंफ्यूजन हो गई, ये बोर्डिंग पास है दिखाइए। चलो भाई ये तो संभाल के रहना पड़ेगा, पहली बार देखा है। देख सीट, प्लेन की सीट सारी यहाँ रखी है। टुडे फ्लाइट इज ऑन टाइम, and we also need to check that if they bring our luggage or not, because we don't want to, yeah, we can go around and check, yeah, but thank you. ये देखो भाई, लाइफ में पहली बार ऐसे पेन से लिख के बोर्डिंग पास दिया गया कहीं पे। मस्त लग रहा है ना, ये बिल्कुल हम एयरपोर्ट से बाहर निकल गए। इधर इनका नेशनल बैंक है, इधर एक इकलौती सिम लेने की दुकान है जो कि वीकेंड से बंद होती है, और दिनों भी दोपहर को 2-3 बजे बंद हो जाती है, और उधर की तरफ अपना होटल है। मात्र 2 से 2.5 मिनट के अंदर एयरपोर्ट पे जा गया, हमारा चेक इन हो गया, बोर्डिंग पास हमें मिल गया। लेकिन आप लोग सोच रहे हो चेक इन तो करा लिया, हमारे बैग्स कहाँ थे? भाई मैंने आपको बताया पहले भी, टूवालू दुनिया की लीस्ट वेस्टेड कंट्री है और एक ही फ्लाइट चलती है हफ्ते में, एक दिन सैटरडे आती है एक दिन वो ट्यूजडे। तो हम जिस फ्लाइट से आए थे ना फिजी से यहाँ पे, हमारे बैग एयरलाइन वालों ने फिजी में ही छोड़ दिए, तो हमारे पास कोई भी बैग नहीं था। बिना बैग के जो टी शर्ट भी आप देख रहे हो नहीं है, मैंने यहाँ पे खरीदी थी एक दुकान से, थोड़ी सी हम एयरलाइन से कंपनसेशन मिली थी, कोई बैग वगैरह कुछ नहीं लाए थे। और ये जो एयरलाइन वाले थे इनके पास कोई कंप्यूटर नहीं था, जैसे आपने देखा पेन से ही सारी चीज़ हो रही थी, यूं लग रहा था कि 50 साल पीछे चले गए हम टाइम में। इनके पास एक लिस्ट आती है, ये पैसेंजर्स होंगे आज, उस लिस्ट में से पेन से टिक करते रहते और उनके बोर्डिंग पास खुद ही पेन से बना देते, और जिन जिनका चेक इन हो गया कंप्यूटर में तो डाल नहीं सकते सिस्टम, उस लिस्ट में लिख देते भाई इसका चेक इन हो गया। तो ये हिसाब किताब है इनका। और इधर इनका शायद पुलिस स्टेशन भी है, नवांकुर कहता है पुलिस स्टेशन देख के आना, क्योंकि होटल तो हमारा ही आ गया, यही रहा होटल, 100 मीटर है बस। पुलिस स्टेशन के आगे एक लौता झंडा दिखाया हमें, और इस झंडे की फोटो खिंचा ली हमने। सामने ये इनका सरकारी दफ्तर है, कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है, और ये है एयरपोर्ट। अब क्योंकि आज फ्लाइट आनी है तो एयरपोर्ट पे देखो आज लगी रौनक, जिस भी दिन फ्लाइट आनी होती है ना सारे देश वाले इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि इनके लिए तो एक इवेंट जैसा सा है ये कि भी आज फ्लाइट देखने को मिलेगी। चेक इन करके वापस होटल चले गए, होटल जाके अपना ये बैग पैक उठा लाए जिसमें लैपटॉप वगैरह है, और वापस होटल एयरपोर्ट आ गए। ये देखो ये है दुनिया की लीस्ट वेस्टेड कंट्री, जिधर सबसे कम टूरिस्ट आते हैं एक साल में, उधर का एयरपोर्ट, जिस दिन इधर कोई फ्लाइट आनी है, एक छोटी सी फ्लाइट आएगी बस। ये लोग इंतजार में हैं, ये भीड़ इकट्ठी हो रखी है ना कि भाई फ्लाइट उतरेगी, लोग आएंगे बस उन्हें देखने के लिए मोस्टली, ये बेचेंगे मालाएं वगैरह। भाई मेरे पास थे ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और मेरे को लेना था टूवालू डॉलर का सिक्का जो कि इनकी लोकल करेंसी है, तो ये बोल ले कि भाई है नहीं, इनके किसी के पास मिला नहीं, और इन्हें अनाउंसमेंट भी करती किसी के पास भी हो तो हमें दे दो। नांगकुर ने तो ले लिया पर मेरे पास ही नहीं है, तो उधर सामने बैंक में चल के पता करते। ये है भाई नेशनल बैंक, इधर चल के देखते हैं किसी के पास मिल जाए तो। सारे ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूज़ करते क्योंकि बहुत पहले की है इनकी, जो सिक्के बने हुए भी है मिलते नहीं जल्दी से। फिर ना मेरे को याद था कि आटू नाम का लड़का था जिसने मेरे को स्कूटर दिलाने में मदद करी थी, और उसका नाम मैंने फ़ोन में लिख रखा था नवांकुर को, मैंने उसकी स्टोरी बताई थी तो नवांकुर के भी याद था। फिर मेरे याद है अभी नेशनल बैंक ऑफ टूवालू में आटू है, तो हम नेशनल बैंक ऑफ टूवालू में चले गए, मैं वहाँ जाके बोला कि भाई आटू है क्या यहाँ पे कोई,
तो इतने में वो आ गया, बहुत बढ़िया बंदा था। मैंने पहले तो उसका ईमेल और फोन नंबर वगैरह लिया, फिर मैं बोला भैया ऐसे ऐसे लोकल करेंसी चाहिए मुझे, सोवेनियर तेरे पास है क्या? तो बोला मैं पता करता हूँ। उसके पास नहीं थी, बैंक में भी नहीं थी इनफैक्ट, तो उसका एक जानकार था बैंक में, उसके पास दो कॉइन पड़े थे, उससे फिर उसने हमें दिलाए और अब मुझे मिल गई फाइनली टुवालू करेंसी। इन टर्टल सा बनाओ इस पे, बहुत यूनिक करेंसी इनकी। ये है 1994 का सिक्का है, देखो इस पे टर्टल सा बना, बहुत यूनिक है। मतलब ऐसी करेंसी है जो, ये देखो क्वीन एलिजाबेथ की फोटो भी है क्योंकि ये भी ब्रिटिश कंट्रोल में थे ना। मतलब ये ऐसा सिक्का है जो आपको यहाँ पे इतनी मुश्किल से मिल रहा है, तो ये आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। ये करेंसी बहुत ज़्यादा यूनिक है, दुनिया की लीस्ट विजिटेड कंट्री, वैसे ही आप मंगा भी नहीं सकते किसी से जल्दी से। और ये सामने एयरपोर्ट है ये देखो, और अभी फ्लाइट आई ना तो एयरपोर्ट पे थोड़ी भीड़ सी होने लगी, इधर तो जाली लगी है पर उधर से रनवे का रास्ता जो है वही मेन रोड है उधर साथ में, तो चाहे उधर से जाके बेशक सीधा फ्लाइट में घुस जाओ बिना इमिग्रेशन वगैरह कुछ कराए तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सारे लोग एक दूसरे को जानते जो भी इधर चलते अंदर। लग रहा है फ्लाइट लैंड होने वाली है, देखो उसने वो रोक दिया वहाँ का रास्ता, वो देखो रनवे पे कुत्ता भागने लग रहा है, फ्लाइट लैंड होने वाली है, कुत्ता भाग रहा है रनवे के बीच में खड़ा हो गया आगे। यहाँ से भाई देखो रनवे कैसा है, और यहाँ से आप देख सकते हो सारे लोग भी फ्लाइट लैंडिंग के लिए खड़े हैं। प्लेन तो आ गया, ये तो चला गया भाई फिजी एयरवेज। कुत्ते की वजह से लैंड नहीं हुई फ्लाइट, देखो ये गाड़ी वाला कुत्ते को भगाने आया पहले इसलिए फ्लाइट लैंडिंग कैंसिल हो गई। वो देखो पूरा प्लेन घूम के आएगा अभी, ये पूरा चक्कर पक्कर काट के स्कूटी वाला बीचों बीच रनवे से क्रॉस करने वाला था अभी बीचों बीच, मतलब आके ये भी यही कह रहे हैं। वो सारे लोग उस पर चिल्ला रहे हैं पागल है क्या, रनवे पे से क्यों जा रहा है, फिर फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी, लिमिटेड पेट्रोल है उस फ्लाइट में। नया कुत्तों की बड़ी दिक्कत है, देखो दूसरा कुत्ता वहाँ चला गया, वहाँ जाके बैठ गया एक, ये वाला पहले गया था अब वो वहाँ जा रहा है। भाई अब ना यार भाई फंस जाएंगे मर जाएंगे हम यहाँ। प्लेन हमारा आ चुका है और इस बार इस कुत्ते की वजह से कुछ भी हुआ ना बता रहा हूँ, ये कुत्ता गया काम से। चल चल निकल भाई, वो देखो कुत्ता जाने लग रहा, सब लोग यहाँ पे ही देख रहे हैं कि कुत्ता ना आ जाए। चल मेरे शेर कर दे लैंड, कर दिया इस बार तो करेगा ही, बढ़िया हो गया भाई इस बार तो। इमिग्रेशन वगैरह होगी और सामने आ गई है फ्लाइट भी, सुबह से आई है ये भी, और ये भी आगे रुकेगी, ये पैसेंजर उतरेंगे उसके बाद हम चढ़ेंगे। ये देखो फ्लाइट को देखने के लिए भीड़ किस तरह जमा होगी, लोकल लोग प्लेन लैंड होता हुआ देखने के लिए आए हुए सारे। और ये देखो साइड में ये एयरपोर्ट है, रनवे के साथ में बाइक स्कूटर चल रहे हैं, शाम को लोग फुटबॉल भी खेलते हैं रनवे पे, देखा अपने ऐसा नज़ारा कभी यहाँ पे। ये देखो सिक्योरिटी की ना कोई भी चेकिंग नहीं है, अब जैसे बैग हमने दी ना चेक इन के लिए सीधा की सीधा वो इसमें लोड हो गए और सीधा प्लेन में जा रहे हैं। मतलब वैसे तो और जगह मशीन लगी होती है चेक इन बैग भी, उसके स्कैनर के थ्रू होके जाते हैं, कोई बम वगैरह तो नहीं लेके जा रहा, पर इसमें देखो सीधा प्लेन में जा रहे हैं। ये तो बाकी चेक इन बैग हो गए हमारे, जो बैग पैक है ना पीछे देख लो आप कैसी है चेकिंग, मतलब हाथों से चेक करते हैं कुछ ऐसे, वो सिक्योरिटी वगैरह स्कैनर नहीं लगा हुआ उसके लिए कि भी मशीन के थ्रू जाए स्कैनर में, बस ऊपर से देखेंगे बैग में क्या है बोले जाओ, क्योंकि ज़्यादा इक्विपमेंट लगाने का फायदा भी नहीं, हफ्ते में एक दो बारी दो फ्लाइट आनी है, देख लो पीछे कैसे चेकिंग कर रहे हैं, बस यही है इधर जो है। और इमिग्रेशन वाले भी मतलब पता चल रहा था इतनी उनको आदत नहीं है, पासपोर्ट देख रहे थे कि भी अगला देखना है पिछला देखना है कौन सा पेज देखना है, थोड़ा भी लग रहा था क्योंकि वही है यार फ्लाइटें कहाँ थी इनको कहाँ देते, अब बस इंतज़ार कर रहे हैं गेट खुले और हमारा सामान ना आए इसकी उम्मीद है, और जाके प्लेन में चढ़ेंगे फिर। इस चीज़ से शायद आप लोग अंदाज़ा लगा पाओ, देखो कितने लोग लगे हुए लाइन में, लेकिन सारे लोकल हैं, जो हफ्ते में एक दो फ्लाइट भी आती है उसमें भी सिर्फ लोकल जाए, एक टूरिस्ट शायद मैं देख पा रहा हूँ जो कि ये लेडी हो सकती है, ये बाहर की लग रही है मेरे को। तो अब हिसाब लगाओ एक फ्लाइट में एक या दो टूरिस्ट भी आ रहे हैं और हफ्ते में दो फ्लाइट आ रही है, तो यानी कि हफ्ते के कितने 3-4 टूरिस्ट हुए, महीने के कितने टूरिस्ट हुए 15-16, मतलब किसी देश में आप 20 मान लो 15-16 का भी 30 मान लो, महीने में सिर्फ 25-30 टूरिस्ट आ रहे हैं, देख लो एक देश के अंदर एक साल में सिर्फ 300-400 टूरिस्ट कुछ भी नहीं होते भाई, कुछ भी नहीं, तब ये दुनिया की लीस्ट विजिटेड कंट्री है। ओ भाई
थैंक यू। तो भाई आज चौथा दिन फाइनली टुवालू में अभी स्टेज को अलविदा कहते हुए मजे आए भाई। चार सूरज देख लिया अभी, जैसे नवांगपुर कह रहा था। तीन रात चार दिन बिताए और प्लेन में ही बैठ गए। एयरपोर्ट तो मैंने आपको इनका अच्छी तरह दिखा दिया है, कुछ ये नज़ारे मेरे को विंडो सीट मिली, उधर बैठा नवांगपुर। बस आज ये डीबोर्ड ना करते अपने को, सामान तो वही है, कहीं कहते पैसेंजर ज़्यादा डीबोर्ड हो। बस टेक ऑफ करने वाली है फ्लाइट, और इसी के साथ अलविदा भी कहते हैं इस देश को। कुछ नहीं पता भाई आने वाले टाइम में ये देश एग्जिस्ट भी करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ जैसे मैंने पहले ही बताया 2 मीटर की ऊंचाई पे है और समुद्र की जो लेवल है वो ऊपर उठने लग रहे हैं। तो आने वाले कुछ सालों में शायद हो सकता है कि देश डूब ही चुका है, और आना ही बहुत मुश्किल है भाई यहाँ पर इतनी अलग अलग फ्लाइट्स लेके पहुँचना, प्लस ये बचे ना बचे देश तो शायद हो सकता है कि आखिरी ही बारी थी लाइफ की। पर अच्छा एक्सपीरियंस है, मज़ा आया।